नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 22 प्लस का सही जवाब देना होगा। टॉप 25 जीके और जेएस का टेस्ट है, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को लास्ट में मैं आपको बहुत बड़ा खुशखबरी भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेरी बाघा बॉर्डर लोकेटेड, यानी कि बाघा सीमा कहां पर स्थित है। आपको बताना कि बाघा बॉर्डर जो होता है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका राजस्थान है, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गुजरात है, या ऑप्शन डी पंजाब। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, बाघा बॉर्डर जो होता है वो आपका पंजाब राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी पंजाब, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन को। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच लेंस स्पेसेस आर गिवन टू द पेशेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका अवतल लेंस है, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी मिश्रित लेंस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और ये क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर व्हाट वुड द कलर ऑफ द स्काई बी लाइक, यानी कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका काला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाली, या ऑप्शन डी हरा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है काला, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत बड़ा खुशखबरी भी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा, चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका गंगा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी नदी, या ऑप्शन डी हुगली नदी। तो देखिएगा, कोलकाता जो होता है वो आपका हुगली नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हुगली, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन को। पांच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि सिलोन वाज द वर्ल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, यानी कि सिलोन किस देश का पुराना नाम था। ऑप्शन आपका बर्मा, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो जल्दी से बताना कि सिलोन किस देश का पुराना नाम था। तो देखिएगा, सिलोन जो होता है आपका श्रीलंका देश का पुराना नाम था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी श्रीलंका, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द साइंस ऑफ अर्थक्वेक स्टडीज कॉल्ड, यानी कि भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। आपको बताना कि जो भूकंप का अध्ययन करता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी, या ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखो, ब्रह्मांडों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका कॉस्मोलॉजी में किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट म्यूजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था। ऑप्शन आपका कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, या ऑप्शन डी कालाशोक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी अजातशत्रु, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो आपका कालाशोक के शासन काल में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। और तृतीय जो हुआ था आपका अशोका के शासन काल में हुआ था, और चतुर्थ जो हुआ था वो आपका कनिष्क के शासन काल में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो चारों को आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन आपका फ्रांस है, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी बेल्जियम। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी इंग्लैंड, यहां पर आपका बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का होता है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो होता है वो आपका भारत देश का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, यानी कि एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको सेंटीमीटर में बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 2.5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 58 सेंटीमीटर है, या ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट डज यू मीन इन यूपीआई, यानी कि यूपीआई में यू से क्या मतलब होता है। आपको बताना कि यूपीआई जो होता है उसमें यू का क्या मतलब होता है। तो देखिएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म जो होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इन
इंटरफेस होता है, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेने की। यू का मतलब पूछा गया है, तो यू का मतलब जो होता है आपका यूनिफाइड, यानी कि ऑप्शन सी यूनिफाइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कि टीपू सुल्तान ने किस राजवंश का शासक था। आपको बताना कि टीपू सुल्तान ने किस राजवंश का शासक था। ऑप्शन आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी मैसूर है, या ऑप्शन डी विजयनगर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी मैसूर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 500 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र अंकित किया गया है। ऑप्शन आपका मंगलयान है, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी सांची का स्तूप, या ऑप्शन डी रेल इंजन। तो इसका राइट आंसर आपको जल्दी से कॉमेंट करके बताना है कि 500 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र अंकित होता है। इसका राइट आंसर आपको एच डब्ल्यू के तौर पर रखना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कॉमेंट करके जरूर इसका राइट आंसर बताना, मैं आप सभी का कॉमेंट पढ़ने वाला हूँ, तो जाकर के जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी शाहजहां। तो देखिएगा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया है वो आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी शाहजहां, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इन्वेंटेड ट्रिपल डब्ल्यू, यानी कि ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका बिल गेट्स है, ऑप्शन बी टिम ब्रसली, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार जो किया गया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया गया था, आपका टिम ब्रसली के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक जो थे वो आपका बिल गेट्स है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को, और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विल पुलिंग द ब्लॉक काटे व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज अप्लाइड बाय द बुल्स, यानी कि बैलगाड़ियों को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है। ऑप्शन आपका यांत्रिक बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी पेशीय बल, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा बैलगाड़ियों को खींचते समय जो बल लगता है वो आपका पेशीय बल लगता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी पेशीय बल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच गेम इज द टर्म कवर ड्राइव यूज, यानी कि कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। ऑप्शन आपका क्रिकेट है, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो जल्दी से बताना कि कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो देखिएगा कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है क्रिकेट, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना, ताकि जब भी हम लाइव करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लेना है। तो देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का विद्युत आवेश होता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का विद्युत आवेश होता है। ऑप्शन आपका धनात्मक है, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो आपका ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी ऋणात्मक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किया गया था आपका जे थॉमसन के द्वारा, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा आपका इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपका बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, या ऑप्शन डी बुध। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी शुक्र, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा जो कहा जाता है आपका शुक्र को ही कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द सवाना ग्रासलैंड लोकेटेड, यानी कि सवाना घास के मैदान है कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि सवाना घास का मैदान है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका दिया है उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सवाना घास का मैदान जो होता है वो आपका अफ्रीका में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है अफ्रीका, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि रिंग इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि रिंग किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपका टेनिस है, ऑप्शन बी घुड़सवारी, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना कि रिंग किस खेल से संबंधित है। तो देखिएगा रिंग जो होता है वो आपका मुक्केबाजी से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी मुक्केबाजी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। ऑप्शन आपका पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी कच्चा लोहा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा लोहे का सर्वाधिक रूप, मतलब कि शुद्ध रूप जो होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन
आपने पिटवा लोहा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन बाय द निकनेम कवि गुरु, यानी कि निम्न में से किसे एक कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को, और 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। आपको बताना है कि पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। ऑप्शन आपका 20 डिग्री, ऑप्शन भी 18 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री या ऑप्शन डी 25 डिग्री। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 15 डिग्री, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को, और 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट चेंज व्हेन आइस मेल्ट, यानी कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या परिवर्तन होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना है कि जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है। तो देखिए जब बर्फ पिघलेगा तो आयतन उसका घट जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी आयतन घटता है, ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था। आपको बताना है कि व्हेन वाज द मैकमोहन लाइन सेट, तो ऑप्शन आपका 1912, ऑप्शन भी 1910, ऑप्शन सी 1914 या ऑप्शन डी 1911। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 1914, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए मैकमोहन रेखा जो होता है वो भारत और चाइना देश के बीच में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है आपको जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका 22 प्लस स्कोर रहा तो मान के चल आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो आपको जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 25 में कितना क्वेश्चन सही होता है। और द आर्मी क्लासेज पर लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।